चैनल हेयर। तो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में मैं आपको गूगल फ़ोन ऐप के रिलेटेड यहाँ पे मैं आपको न्यू यूआई बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे गूगल फ़ोन से रिलेटेड यहाँ पे न्यू यूआई रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। अब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि वो फीचर केवल एंड्रॉयड 12 में वर्क करेगा या एंड्रॉयड 13 में। तो मैं उसको अपने डिवाइसेस में इंस्टॉल कर चुका हूँ और वो यहाँ पे वर्क करना भी शुरू कर चुका है। तो इस वाली वीडियो में उसका फुल रिव्यू आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि उसका आखिर न्यू लेआउट किस तरीके से हम सभी को देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे गूगल फ़ोन ऐप का न्यू लेआउट आपको इस तरीके से देखने के लिए मिल जाता है। आप यहाँ पे कीपैड, म्यूट, स्पीकर और मोर, तो आपके यहाँ पे ये जो ऑप्शंस है ये यहाँ पे आपको कस्टमाइज कर दिए गए हैं। पहले आपको यहाँ पे ये थोड़े से मोटे मोटे देखने के लिए मिल जाते थे, और आप जब यहाँ पे मोर पे क्लिक करेंगे तो मोर पे क्लिक करने पे आपको यहाँ पे सेटअप और एड कॉल दो ऑप्शंस दिए गए हैं। जब आप यहाँ से स्क्रॉल राइट करते थे तो पहले आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलते थे, अब इन ऑप्शंस को यहाँ पे मोर पे स्विच कर दिया गया है। और मोर पे स्विच करने पे ये वाली जो आपकी टैब है ये भी आपकी थोड़ी सी यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। और इसी के साथ हम जब इसको लाइट मोड में देखते हैं तो लाइट मोड में हमें ये इस तरीके से देखने के लिए मिल जाता है। और ये गूगल फ़ोन ऐप यहाँ पे एंड्रॉयड 12 के मोनेट को फुली सपोर्ट करता है। तो फिर आप इसमें डायनामिक थीमिंग को भी इस्तेमाल करके इसके यहाँ पे जो ये कलर्स हैं इसको भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो इस वाले स्क्रीनशॉट में एक आपने बात नोटिस नहीं की होगी, वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसमें क्या नोटिस नहीं किया। तो आपको यहाँ पे सभी ऑप्शंस मिलते हैं, कीपैड, म्यूट, स्पीकर और इसके साइड में आपको सेटअप और एड कॉल, लेकिन इसमें से आपको डार्क मोड और लाइट मोड दोनों में से आपको केवल यही सेम ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन इसमें से एक ऑप्शन रिमूव हो चुका है जो कि है कॉल रिकॉर्डिंग। अब यहाँ पे बहुत सारे यूजर्स MIUI के, Realme के जितने भी यूजर्स हैं सब कह रहे हैं कि Google डायलर से कॉल रिकॉर्डिंग फीचर हट चुका है, ये सॉफ्टवेयर का बग है वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये सॉफ्टवेयर का बग नहीं है, यहाँ पे Google ने कॉल रिकॉर्डिंग फीचर को परमानेंट रिमूव कर दिया है अपने Google डायलर एप्लीकेशन से। तो यहाँ पे अब Google डायलर, MI डायलर इन सब में कोई भी चेंजेस नहीं है, बस यहाँ पे MI डायलर जो भी कंपनी है जैसे कि Realme, Oppo, Samsung इनके ऑफिशियली में हमें यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग फीचर देखने के लिए मिलता है। तो अगर यहाँ पे MI कंपनी, Realme, Samsung अगर इन्होंने भी यहाँ पे Google डायलर को अपने ऑफिशियली डायलर से रिमूव कर दिया तो यहाँ पे MI डायलर इंडिया में वापस आ सकता है, बाकी के रीजन्स में भी वापस आ सकता है। ऐसा ही सेम Realme, Samsung बाकी की जितनी भी कंपनीज हैं उनके साथ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे MI की कंपनी में कुछ रीजन्स में अभी भी ऑफिशियली हमें देखने के लिए मिल जाता है। और ऐसा ही सेम टू सेम Samsung, Realme, Oppo, Vivo इनमें भी हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे ये गूगल डायलर का न्यू UI रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है, और इसी के साथ यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर भी परमानेंट रिमूव हो चुका है। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार नए सब्सक्राइब भी कर लेना और शेयर भी जरूर कर देना। I'm sorry.